नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर लोग आते हैं इम्प्लांटेशन फेलर का इश्यू लेकर, जिनमें मोस्टली उनको मल्टीपल अबॉर्शन हो चुके होते हैं, हैबिचुअल अबॉर्शन हो चुके होते हैं, या फिर उनको एक बार प्रेगनेंसी हुई, यूपीटी पॉजिटिव आया, बीटा एक्सीजी रेज्ड आया, बट उनको पता चला, डॉक्टर ने उनको बोला आपको केमिकल प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं अक्सर इम्प्लांटेशन फेलर। अब बात करते हैं कि आयुर्वेदा की। लोग आयुर्वेदा डॉक्टर के पास आते हैं, जनरली मेरी ओपीडी में आके पूछते हैं, मैम मुझे मेरे शरीर में गर्मी बहुत है, क्या इस वजह से मेरा अबॉर्शन बार बार हो रहा है। देखिए, ये टर्म आप समझ तो गए हैं गर्मी बहुत है, बट इसका साइंटिफिक मीनिंग है, आयुर्वेद एक बहुत पुरानी साइंस है। आपके शरीर की गर्मी डेफिनेटली आपके शरीर में अंदर हो रही हलचल को इफेक्ट करती है, और हमारा भ्रूण यानी कि बच्चा शरीर के अंदर ही पनपता है, गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर। सो डेफिनेटली आपके शरीर की गर्मी उसको इफेक्ट करेगी। तो जिसको आयुर्वेद में हम कहीं ना कहीं पित्त और वाता दोषा से कॉलरेट करते हैं। पित्त दोषा जो कि हमारी अग्नि, हमारा डाइजेशन, हमारे शरीर की गर्मी को हम डिनोट करता है कह सकते हैं। सो उसको बैलेंस पे रखने के लिए बहुत सारी रेमेडीज होती है। कोई भी अदर पैथी ना तो आपको एक्सप्लेन करेगी और ना ही उसके कारण बताएगी और ना ही उसका इलाज आपको देगी। वो आपको एक नॉर्मल चीजें बता देती है कि आपको कोई भी वायरल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलर हुआ है, आपके बच्चा दानी के ऊपर वायरल लोड है इस वजह से आपको बच्चा दानी में इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, या फिर आपका बच्चा दानी का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। बट हम आयुर्वेदा में इस चीज को बहुत पहले, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले समझ चुके थे, और जिसको हम आज भी अपनी मॉडर्न प्रैक्टिस में उस चीज पे ध्यान जरूर देते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं ना अपने इम्प्लांटेशन फेलियर की हिस्ट्री लेकर, या अपने हैबिचुअल अबॉर्शन फेलियर की हिस्ट्री लेके, तो सबसे पहले हम आपसे यही पूछते हैं कि बचपन में कोई पुराना बुखार हुआ था, चिकन पॉक्स, रुबेला, हर हिस्ट्री ली जाती है। बट ज्यादातर पेशेंट बोलते हैं, मैम चिकन पॉक्स तो हुआ था बट उसका मैंने ट्रीटमेंट ले लिया था। देखिए, आपको चिकन पॉक्स हुआ बट वायरल लोड अगर हम एलोपैथी में भी बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। सेम अगर उसके एंटीबॉडीज भी डेवलप होती है तो वो बॉडी में पित्त बनाती है। ये भी कह सकते हैं कि आपकी गर्भाशय की लाइनिंग में डीप सीटेड वायरल लोड को कोई भी दवाई खत्म नहीं करती, कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म नहीं करता। सो डेफिनेटली वहाँ का ओरा डिस्टर्ब होता है, वहाँ पे वायु यानी कि वात डिस्प्लेसमेंट होती है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्रोनिक फीवर रहा चुका होता है, जैसे कि अभी हमने कोविड भी एक्सपीरियंस किया, तो बॉडी में पित्त लेवल बढ़ जाता है, और जवर को यानी कि फीवर को आयुर्वेद में पित्त दुष्टि ही माना गया है। तो उसमें हम पित्त शमन की यानी कि गर्मी को शांत करने की चिकित्सा देते हैं। तो सेम जो पेशेंट की ये हिस्ट्री होती है उस पर हम पूरा काम करते हैं। ऐसे पेशेंट की प्रकृति देखी जाती है तो ज्यादातर पित्तस कफस, पित्तस वातस मिलती है, पित्त का लोड ज्यादा मिलता ही मिलता है। तो ऐसे पेशेंट में हम देखते हैं हिस्ट्री लेते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बहुत होता है, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, भूख लगती है तो कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। फीमेल्स खुद बोलती हैं कि हाँ मैम आप जो बोल रहे हैं ये चीजें ठीक है। तो हम ऐसे पेशेंट में पित्त का शमन की जो ट्रीटमेंट देते हैं, सबसे पहले आपके वायरल लोड की हिस्ट्री लेते हैं, कौन सा वायरस था उसको मॉडर्न उसका एस्पेक्ट भी देखते हैं, एंशियंट ट्रीटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग, और प्रॉपर आपको हॉलिस्टिकली ट्रीट करते हैं। जैसे कि अभी मैं कोविड 19 के बाद भी पेशेंट को प्रॉपर हॉलिस्टिकली ट्रीट कर रही हूँ, उसमें हम आयुर्वेदा का गिलोय सत्व चलाते हैं जो कि पित्त शमन का भी काम करता है, इम्प्लांटेशन के लिए भी अच्छा है, आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, और उसके साथ साथ आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करके आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। और दिस इज़ द थिंग जो कि अननोन है हर पैथी में, और हर डॉक्टर नहीं करता है उसको। सो डेफिनेटली इट वर्क्स। अगर पेशेंट रुबेला पॉजिटिव अपनी स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में भी है ना, तो भी वो काफ़ी हद तक उसकी प्रेगनेंसी बच सकती है, इट वर्क्स। सो इस पर हम काम करते हैं। सेम पित्त शमन के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन तो होती ही है, हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, हम विरेचन करवाते हैं। अब तक मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में वमन के बारे में बताया, मेडिकेटेड एमेसिस यानी कि वॉमिट के बारे में। विरेचन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेडिकेटेड लूज मोशन कुछ प्रोगेटिव मेडिसिन देते हैं आपको, एक टाइप की घृत पान के बाद यानी कि घी पीने के बाद जो लूज मोशन लगते हैं वो आपका विरेचन यानी कि विरेचन कर्मा कहलाता है, जिससे बॉडी में पित्त का शमन होता है। उसके बाद रसायन चलाए जाते हैं जो पुट पित्त दृष्टि पे काम करता है, साथ के साथ आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए आपके यूट्रस स्ट्रेंथनिंग पे काम किया जाता है। उत्तर वस्ती में कुछ ऐसे ड्रग्स
ऐसे ऑयल ऐसे घृत यूज किए जाते हैं जो कि वहां पे पित्त के लेवल को बैलेंस करे, पित्त का शमन करे। और उसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज होती हैं। सबसे ज्यादा होम रेमेडीज अभी गर्मियों का सीजन आ गया, अगेन इम्प्लांटेशन फेलियर के केसेस बहुत ज्यादा है, लोगों को काफी लोग बोलते हैं मुझे आगे, मैंने इस यूट्यूब चैनल पे सुना कि गर्मियों में कंसीव नहीं करना है, अबॉर्शन हो जाते हैं, या फिर मेरी अबॉर्शन की हिस्ट्री में गर्मियों में कंसीव नहीं करूंगी। ऐसा नहीं, आप प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ कंसीव करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो गर्मियों में कुछ रेमेडीज है जैसे कि गूंद का तीरा, गूंद का तीरा बहुत अच्छा है, पित्त का शमन करता है, कुछ टाइप के जेली क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ओवरनाइट सॉक करना है, सुबह आपको उसको खाली पेट पीना है। इसके साथ साथ जौ का सत्तू जो कि चना होता है, हाई रिच इन आयरन होता है और वो भी आपके इम्प्लांटेशन को भी सक्सेस करवाएगा, साथ ही साथ पित्त का शमन करेगा और आयरन इनटेक की वजह से आपकी इम्प्लांटेशन फॉर श्योर होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको नहीं पता है कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। धन्यवाद।